नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन फिडिस्टर के लब, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे, 50 एमसीक्यू हैं ये हिंदी के, और आज के वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में जो है बेसिक क्वेश्चंस जो सारे एग्जाम्स में हर एक एग्जाम से एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो इस वीडियो से आपको किसी भी कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे जिसमें आपका हिंदी पूछी जाएगी, तो इस वीडियो से आपका एक दो क्वेश्चन आराम से फंसने वाला है। ठीक है, किसी भी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, किसी भी परीक्षा का एग्ज़ाम हो, एक दो क्वेश्चन आपका 100% फंसेगा। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो को चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन आइकन को दबा लें ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ये 50 से ऊपर होंगे, करीब 55 क्वेश्चन है एमसीक्यू के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, शब्द होते हैं, शब्द कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय के शब्द होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शब्द भाषा की कैसी इकाई है? ठीक है, तो ये स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। शब्द जो है पूछ रहा है, शब्द जो है भाषा की कैसी इकाई है, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें हिंदी आएगी। ठीक है, और इस टाइप के बच्चे क्वेश्चन जो गलत कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? जो निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको शब्द कहते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ लिया, अगर तुमने पढ़ा नहीं है शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो कैसे कर पाओगे? शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। ठीक है, अब सार्थक शब्दों के बारे में जान लीजिए। सार्थक शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उनको सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कि घर, नगर, मैं, आप, विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इन सारे शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उनको निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे धम, फटाफट, चटाचट, ये। ठीक है, किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ आती है, ठीक है, तो सारे निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए शब्द कितने प्रकार होते हैं तो दो प्रकार होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार होते हैं? अगर आपने पढ़ा नहीं बनावट के आधार पर तो कैसे बता पाएंगे? बनावट के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है योग रूढ़। ठीक है, तो रूढ़ शब्द जो होते हैं, जो शब्द जो किसी शब्दों के योग से नहीं बनते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे कि आम, हाथ, कान, कलम इत्यादि। ठीक है, ये शब्द ऐसे हैं जो किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बने। ठीक है, दूसरा होता है यौगिक, जो शब्दों के योग से बनते हैं। ठीक है, दो शब्दों के योग से बनते हैं वो यौगिक कहलाते हैं, जैसे विद्यार्थी, छात्रावास, विश्वविद्यालय, ये सारे यौगिक शब्द हो गए। तीसरा आता है योगरूढ़, जो दो या दो से अधिक शब्दों से बनते हैं लेकिन अपना सार्थक, अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ प्रकट करने लगते हैं, उनको योगरूढ़ कहते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, पंकज अगर बोल दिया जाए तो पंकज होता है, किसको बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। ठीक है, तो अपना सार्थक शब्द छोड़ के किसी दूसरे का अर्थ जो प्रकट कर रहा है उसको योगरूढ़ बोलते हैं। ठीक है, तो बनावट के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है अगर कहीं पूछा जाए। सबसे पहला आता है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द और विदेशी शब्द। ठीक है, ये तुम्हारे उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा, शब्दों के भेद नहीं है तत्सम के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर तो संज्ञा नहीं है, बाकी ये तो है ही। ठीक है, इनमें से कोई वाला नहीं होगा, संज्ञा नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगत शब्द से संबंधित है, आगत किस शब्द से संबंधित है? विदेशी शब्द है, देशी शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। ठीक है, तो ये विदेशी शब्द है। ठीक है, आगत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अब आता है रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। ठीक है, अभी मैंने बताया था रूढ़ शब्द, जो शब्द किसी योग, किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे कि दिन, आँख, घोड़ा आदि। ठीक है, तो ये सारे रूढ़ शब्द हो गए, बाकी विज्ञान जो है तुम्हारा रूढ़ शब्द नहीं है, ये यौगिक, योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, यौगिक शब्द है। ठीक, दो शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, नेक्स्ट है, योग रूढ़ शब्दों की पहचान करनी है। ठीक है, योग रूढ़ शब्दों की पहचान करनी है। अगला है,
तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पीताम्बर हो जाएगा। ये रूढ़ शब्दों का भी हम बता ही चुके आपको, जो अपना सामान्य अर्थ छोड़ कर कोई दूसरा अर्थ प्रकट करते हैं शब्द, उनको योग रूढ़ कहते हैं। अब पीताम्बर मीन्स क्या होता है, जो पीले वस्त्र धारण करता है उनको पीताम्बर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अगला क्वेश्चन, विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तदभवीकरण नहीं हुआ। ठीक है, अब सर लालटेन कप्तान हॉस्पिटल, ठीक है, तो तदभवीकरण क्या मतलब होता है, यानी तद्भव शब्द जो नहीं है। ठीक है, अफसर भी तद्भव है, लालटेन भी तद्भव है, कप्तान भी तद्भव है, हॉस्पिटल हमारा तद्भव नहीं है, हॉस्पिटल हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, हॉस्पिटल का तद्भवीकरण अस्पताल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अरबी नहीं है। ठीक है, अरबी भाषा का कौन सा शब्द नहीं है, इल्जास किस्मत कीमत कमीना। तो कमीना जो है फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन कई देखे गए जो भी एग्जाम्स हुए थे, तो उसमें कई प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन देखे गए। ठीक है, कौन सा शब्द फारसी नहीं है। ठीक है, खामोश कुर्ता खाक हक, तो इसमें जो हक जो है फारसी शब्द नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पास्तो शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पास्तो शब्द नहीं है, अखरोट डेरा अटकल अजब कौन सा नहीं है, तो अजब शब्द अरबी है। ठीक है, बाकी सब पास्तो हैं। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, शब्द शक्ति के प्रकार कौन से नहीं है, इसमें देखने हैं आपको, अविदा तत्सम लक्षणा व्यंजना। ठीक है, तो शब्द शक्ति के प्रकार कौन से नहीं, तत्सम नहीं। ठीक है, शब्द शक्ति के आधार पर जो है, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद जो होते हैं तुम्हारे, तीन होते हैं, वाचक लाक्षणिक और व्यंजक। ठीक है, तो वही इसमें दिया गया है आपका, शब्द शक्तियां तीन प्रकार की होती हैं, अविदा लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, बाकी तत्सम जो है तुम्हारी बनावट के आधार पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार विकारी शब्दों में शब्द से संबंधित भेद नहीं है, कौन सा नहीं है, संज्ञा क्रिया सर्वनाम विशेषण समुच्चय बोधक। ठीक है, तो ये सर्वनाम जो है हमारा अविकारी शब्द होता है, हमने पढ़ाया था आपको सर्वनाम का चैप्टर, तो आपको हमने बताया था कि सर्वनाम जो है अविकारी शब्द होता है। ठीक है, इसीलिए मैं आप सभी को एक एक चैप्टर जो है चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो आप सभी मेरे वीडियो को देखिए, अभी तक मैं 6 वीडियो डाल चुका हूँ चैप्टर बाय चैप्टर के, बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगा लगातार। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों का कोई बदलाव नहीं होता है, बदलाव नहीं आता है, वह कैसे कहलाते हैं, वह तुम्हारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें लिंग वचन कारक के कारण कोई भी बदलाव नहीं होता है, तो उनको अविकारी शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार विकारी शब्दों से ये तो हो चुका है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में पुनरुक्त दुरुक्त शब्द कौन सा है, पुनरुक्त दुरुक्त शब्द कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा साथ साथ। ठीक है, यानी कि जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, साथ साथ यानी एक बार साथ आया फिर साथ आया। ठीक है, तो पुनरुक्त दुरुक्त है। ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हारा साथ साथ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्जुन ने कर्ण को मारा, अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान करनी। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा उद्देश्य अर्जुन। ठीक है, अर्जुन ने कर्ण को मारा। ठीक है, इसमें उद्देश्य हो जाएगा अर्जुन। अर्जुन जब आपको उद्देश्य वाला उद्देश्य के बारे में बताएंगे तब आपको चैप्टर में समझाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैंने उसे पीटा इस वाक्य में विधेय की पहचान करनी है, तो मैंने उसे पीटा इस वाक्य में विधेय क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उसे पीटा। ठीक है, हमारा विधेय क्या था, उसे पीटना था। ठीक है, अब आ जाता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं। ठीक है, अब हमने बताया आपको रचना के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा रचना के आधार पर वाक्य भेद नहीं, साधारण वाक्य संयुक्त वाक्य मिश्रित वाक्य, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, इसमें इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नहीं है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर होते हैं दोस्तों आपके शब्द, रूपांतर के आधार पर। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है वाक्य के कितने अंग होते हैं। ठीक है, तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। ठीक है, हमारा विधेय क्या है और उद्देश्य क्या है। ठीक है, दो अंग होते हैं वाक्य के। अगला वाक्य है, अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वो एक ऐसा वाक्य होता है, वो सरल वाक्य हमारा होता है, साधारण वाक्य होता है। ठीक है, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, साधारण वाक्य हो जाएगा। राकेश पढ़ता है एक ऐसा वाक्य है तो ये हमारा साधारण वाक्य है। ठीक है, क्योंकि एक ही उद्देश्य और एक ही इसमें विधेय है। ठीक है, राकेश पढ़ता है तो उद्देश्य क्या है, पढ़ना, और विधेय क्या है हमारा, राकेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त वाक्य को पहचानना है आपको। इसमें राम पुस्तक पढ़ रहा है, शिल्पी पत्र लिखती है, धर्मेंद्र ने भोजन किया है, वह सुबह गया और शाम को लौटा है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्यों की पहचान क्या होती, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव हों। ठीक है, जैसे कि और, तथा, पत, पर, परंतु आदि से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य पहचानने को आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य पहचानने की इसमें दिया गया है, कैसे पहचानेंगे, जब हमारे दो वाक्य जो हैं किन शब्दों से जुड़े हों, समुच्चय बोधक शब्द हों, और तथा, पर, परंतु आदि शब्द अगर आपको देखने को मिलें, जैसे कि यहाँ पे और आया है, वह सुबह गया और शाम को लौटा है। ठीक है, तो और, तथा, पर, परंतु आदि शब्द मिलें आपको बीच में, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है, ये हमारा मिश्रित वाक्य। ठीक है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है, हमारा मिश्रित वाक्य। ठीक है, मिश्रित वाक्य की पहचान क्या हो जाएगी, उपयुक्त वाक्य मिश्रित वाक्य, क्योंकि एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक आश्रित उपवाक्य का प्रयोग हुआ। ठीक है, मतलब एक दूसरे पे, एक वाक्य जो होगा एक दूसरे पे आश्रित होंगे। ठीक है, इसमें लिखा है यदि परिश्रम करोगे ठीक है तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, मतलब अगर परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण होगे, नहीं करोगे तो नहीं होगे, यानी पहला दूसरा वाक्य जो है पहले वाक्य पर आश्रित है। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य हमारे मिश्रित वाक्य होते हैं। ठीक है, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अगला क्वेश्चन है, तो उसमें राइट हो जाएगा आपसे तीन होते हैं। ठीक है, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तीन होते हैं। ठीक है, आश्रित उपवाक्य से संबंधित नहीं है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं, क्रिया विशेषण उपवाक्य, तो उसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बीस हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की कर्ता के क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा पूरक के रूप में प्रयुक्त हों, उन्हें किस उपवाक्य के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो उसको संज्ञा उपवाक्य के रूप में जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैंने दूध पिया है। ठीक है, मैंने दूध पिया, तो ये किस प्रकार का वाक्य है, विधानवाचक है, निषेधवाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है। देखिए, निषेधवाचक है नहीं क्योंकि इसमें किसी का मना करने का कोई चीज़ नहीं आ रही, प्रश्नवाचक भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी प्रश्न का चिन्ह नहीं है, मैंने दूध पिया, आज्ञावाचक भी नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, विधानवाचक हो जाएगा। ठीक है, मैंने दूध पिया, तो विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम गौरव तुम बैठकर पढ़ो। ठीक है, गौरव तुम बैठकर पढ़ो। ठीक है, मतलब कोई गौरव से कह रहा है कि तुम बैठकर पढ़ो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा, कोई आज्ञा दे रहा है किसी को, गौरव तुम बैठकर पढ़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक नहीं है। ठीक है, तो निषेधवाचक नहीं है इसमें, जिसमें नहीं आया है वो दोबारा निषेधवाचक हो जाएंगे, मैंने खाना नहीं खाया ये भी हो जाएगा, मैंने दूध नहीं पिया ये भी हो जाएगा, तुम मत लिखो ये भी निषेधवाचक हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा, मैंने दूध पिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला होगा, मैंने दूध पिया। ठीक है, ये निषेधवाचक नहीं होगा, ये विधानवाचक होगा। ठीक है, अभी बताया था। अगला क्वेश्चन है, विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपसे सी हो जाएगा, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए। ठीक है, तो हमारे विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए। अगला क्वेश्चन है, इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें जिस वाक्य से इच्छा के भाव का बोध हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, राइट आंसर होगा, यानी किसी के इच्छा के भाव का बोध हो। ठीक है, उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
अर्थानुसार वाक्य के भेद हैं, अर्थानुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, अर्थानुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, किस प्रकार का वाक्य है ये? प्रश्नार्थक वाक्य है, संकेतार्थक वाक्य है, इच्छार्थक वाक्य है, विस्मय बोधक वाक्य है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा इच्छार्थक वाक्य, ठीक है, यानी कि इच्छा है, हमारी इच्छा है कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ठीक है, तो इच्छार्थक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, ठीक है, तो व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है, ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाती है तुम्हारी ध्वनि होती है, ठीक है, ध्वनि। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, एक दो ये एक क्वेश्चन हमेशा आता है इनमें से, ठीक है, ध्वनि सबसे छोटी इकाई है और भाषा वाक्य जो है सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। अब अभी देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे गए मेंस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सदाचार में उपसर्ग पूछा गया कौन सा है? उपसर्ग और प्रत्यय आप सभी जानते होंगे, उपसर्ग जो होते हैं वाक्य के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वाक्य के अंत में लगते हैं, ठीक है, तो उसमें पूछा गया सदाचार में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, तो उसमें सत हो जाएगा, सत उपसर्ग है सदाचार में। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक में उपसर्ग कौन सा है? तो उसमें अति हो जाएगा, अत्यधिक है ना, तो अति हो जाएगा, ठीक है। सदाचार का अगर हम संधि विच्छेद करें तो सत धन आचार होता है, ठीक है, तो इसीलिए इसमें सत उपसर्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समादार समादर व संरक्षण में उपसर्ग कौन सा है? समादर व संरक्षण में उपसर्ग कौन सा है? तो उसमें हो जाएगा सम, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। जब आपको उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चन पढ़ाएंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युपकार प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है, ठीक है, इन तीनों में कौन सा उपसर्ग जो है एक ही जो है वो निहित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति, प्रति इन तीनों में है। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग कौन सा है? अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग पूछा गया, तो इसमें अधि अधि जो उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानी, कौन सा उपसर्ग है इसमें? अभ्यास अभिमुख अभियान में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, तो उसमें अभी हो जाएगा, देखिए सब में अभी जुड़ा है, तो इन तीनों में हमारा अभी उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, नी परि उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानी, ठीक है, जिसमें नी पर उन जो है उपसर्ग आए हैं वो शब्द पहचानी, ठीक है, निबंध परिजन या 29, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला से हो जाएगा, निबंध में नी है, परिजन में परी है और 29 में उन है, ठीक है, तो इन तीनों में है उपसर्ग ये तीनों। अगला क्वेश्चन है, अति उपसर्ग का अर्थ है, अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक बाहुल्य यानी, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है, ठीक है, कौन सा शब्द जो है अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समवाय, ठीक है, ये संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें हिंदी उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? आवान 49 कपूत या उपमा, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपमा, ये संस्कृत का है, इसमें जुड़ा हुआ है उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, कौन सा जिसमें है संस्कृत का उपसर्ग यूज नहीं किया गया? तो अनजीवी अपशब्द लाचार, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा लाचार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है, ये पहचानना है, आमरण संगम सुशासन कपूत, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कपूत, इसमें हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छलिया पठनी व कहानी में कौन सा प्रत्यय नहीं है, ठीक है, छलिया पठनी कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है, प्रत्यय निहित है पूछा गया, कौन सा प्रत्यय इसमें जुड़ा है? प्रत्यय जो होते हैं शब्दों के लास्ट में होते हैं वो कौन सा हो जाएगा? छलिया, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, छलिया में या है, पठनी में ई है और कहानी में आनी है, ठीक है, तो आनी प्रत्यय कहानी में है, पठनी में ई है और छलिया में या है, ठीक है, तो ऑप्शन डी से होगा।
अगला क्वेश्चन है, चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? चर्मकार, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चर्मकार में कार है प्रत्यय और प्रभाकर में कर प्रत्यय जुड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी गमनी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? ठीक है, तो खिलाड़ी, खिलाड़ी में आड़ी हो जाएगा, गमनी में ई हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गाने वाला में हो जाएगा वाला और लघुत्तर में हो जाएगा तर, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, ठीक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खंडहर, हर में खंडहर में हर हो जाएगा, लुटेरा में एरा आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमको याद रखना, लुटेरा में एरा होगा, खंडहर में हर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो वे प्रत्यय कैसे होते हैं? कृत प्रत्यय होते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए से ही हो जाएगा, जो प्रत्यय होते हैं धातुओं के अंत में लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे कैसा प्रत्यय कहलाते हैं? ठीक है, तो हमारा तदित्व प्रत्यय कहलाते हैं, जो प्रत्यय होते हैं संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो तदित्व प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये 58 क्वेश्चन थे, ठीक है, हिंदी के जो कि MCQ थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चन जो है आप रट लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।